हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनोज, इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कम्युनिकेशन में होने वाले रुकावटों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी रूप से जो कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कॉमन बैरियर्स जो जनरली हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज द यूज़ ऑफ जार्गन, ओवर कॉम्प्लिकेटेड अनफेमिलियर एंड और टेक्निकल टर्म्स। अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन में टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूँगा, टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ करूँगा, या फिर ओवर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट कठिन वर्ड्स अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करूँगा, तो एक बैरियर का ये काम करता है। और अनफेमिलियर वर्ड्स भी, जो वो वर्ड्स जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, अगर मैं उन सभी वर्ड्स का यूज़ करूँगा तो ये एक तरह का बैरियर का काम करेगा कम्युनिकेशन में, और मेरी कम्युनिकेशन स्मूथ नहीं हो पाएगी। द सेकेंड इज इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज। सम पीपल मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड सम टॉपिक्स मे बी कम्प्लीटली ऑफ लिमिट्स और टैबू। टैबू का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि हमारे सोसाइटी में हमें बहुत ही अजीब लगता है, जो अनएक्सेप्टेबल है, जो हम बहुत ही जल्द उसको स्वीकारते नहीं हैं, अगर वैसे टॉपिक्स होंगे, वैसे उस चीज़ पर हम कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि वो टैबू है तो बहुत सारे लोग उसे कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर आ जाता है। और इमोशनल बैरियर्स का मतलब है कि बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि लोग अपने इमोशंस को, जो अपनी भावनाएं हैं, उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अच्छे से शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर मैं अपनी इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ किसी के भी सामने, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक बैरियर है, ये इससे मेरे कम्युनिकेशन में रुकावट आती है। द नेक्स्ट इज lack of attention, interest, distractions or irrelevance to the receiver. अगर मैं बातचीत पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं उस चीज़ में मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा हूँ, या फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी बीच में मेरे को कम्युनिकेशन करते हुए कुछ भी बीच में डिस्ट्रैक्शंस है, या फिर मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा हूँ, फ़ोन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, या फिर वो जो टॉपिक जिस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो टॉपिक मेरे से इररिलेवेंट है, यानी कि जो जिस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है वो मुझसे किसी भी तरह रेलिवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो ये एक और कारण होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, कि ये बैरियर साबित होता है। द नेक्स्ट इज डिफरेंसेज इन परसेप्शंस एंड व्यू पॉइंट्स। बहुत बार ऐसे सिचुएशन आती हैं जिसमें कि हम किसी भी टॉपिक की जो हम बात कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि जो मेरा परसेप्शन है, जो मेरा नज़रिया है उस टॉपिक को लेकर, और जो मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, जो भी मैं उस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, अंतर आते हैं। और जहाँ पे हमें अंतर परसेप्शन या व्यू पॉइंट्स में अंतर आते हैं, हमारी सोच और उनकी सोच अलग होती है, तो ये भी एक बैरियर का काम करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। द नेक्स्ट इज फिजिकल डिसेबिलिटी सच एज हियरिंग प्रॉब्लम्स और स्पीच डिफ़िकल्टीज। सो देयर आर पीपल, बहुत लोग होते हैं जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होते हैं, वो सही से सुन नहीं पाते हैं, या फिर वो लोग जो बोल नहीं पाते, जिनको स्पीच डिफ़िकल्टीज होती है, तो ये उनके लिए एक बैरियर का काम करता है। द नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर्स को डिस्कस करते हैं। नॉट बींग एबल टू सी दी नॉन वर्बल क्यूज, जेस्चर्स, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव। अगर मैं किसी से किसी भी चीज़ पे बात कर रहा हूँ और वहाँ पे अगर मैं नॉन वर्बल क्यूज़ नहीं देख पा रहा हूँ, नॉन वर्बल का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज है जो मेरी, या फिर मैं जो इशारे कर रहा हूँ, या फिर मेरी जो बॉडी की जो पोजिशनिंग है, पोस्चर है, या फिर जनरल बॉडी लैंग्वेज है, अगर मैं उसको ढंग से नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मेरा जो कम्युनिकेशन है वो लेस इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। अगर मैं अपनी क्लास में सेशंस ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सामने मेरे, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, थके हुए हैं, तो उस केस में मैं अपना लेक्चर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेक्चर दूंगा भी तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के जो उस टाइम की जो सिचुएशन है, क्योंकि वो थके हुए हैं और उनका जो पोस्चर है वो झुका हुआ है, तो मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा वहाँ पे। तो मुझे कम्युनिकेशन में ये भी देखना है, नॉन वर्बल क्यूज़ को देखना है, मुझे लोगों के नॉन वर्बल क्यूज़ को देखना है, इससे मुझे पता चलता है कि उनकी उस टाइम की मेंटल और जो फिजिकल लेवल क्या है, उसी के हिसाब से मैं अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा।
द नेक्स्ट इज लैंग्वेज डिफरेंसेज एंड द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एक्सेंट्स. सो दिस इज रियली वेरी कॉमन थिंग. लैंग्वेज अगर हमारी डिफरेंट है सेंडर और रिसीवर की, तो ऑब्वियसली हम ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर हमारी भाषा अलग अलग है तो. एंड द अनदर थिंग इज डिफरेंट एक्सेंट्स. एक्सेंट का मतलब होता है कि आप लैंग्वेज को किस तरह से बोलते हैं, आपकी प्रोनंसिएशन क्या है, आपका एक्सेंट क्या है, आपके बोलने का लहजा क्या है, उसको हम एक्सेंट बोलते हैं. तो अगर एक्सेंट भी डिफरेंट होंगी तो हमें समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. जैसे कि अगर आप बहुत सारे लोगों को भी देखेंगे कि उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है. अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारा एक्सेंट अलग है, साउथ इंडिया की हम बात करें तो एक्सेंट हमें अलग मिलेगा, उससे ज़्यादा वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो अगर आप देखेंगे तो रीजन वाइज हमारे एक्सेंट्स वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं. हम सबके एक्सेंट्स अलग अलग होते हैं, और अगर एक्सेंट अलग अलग होते हैं तो हमें उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वहाँ भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाते हैं. द नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेजुडिसेस विच मे लीड टू फॉल्स एजम्पशंस और स्टीरियोटाइपिंग. एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है आशा करना किसी से, और प्रेजुडिस का मतलब होता है हमारे दिमाग में कोई भी गलत धारणा किसी की चीज़ को लेकर होती है, तो हम उसे प्रेजुडिस बोलते हैं. अगर मेरे माइंड में सेंडर के लिए जो स्पीच दे रहा है, जो मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, अगर मेरे माइंड में उनके लिए कोई भी गलत धारणा है तो मैं उनकी कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल नहीं सुनूंगा. जब मैं उनकी कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल नहीं सुनूंगा तो वो एक बैरियर का काम करेगा. पीपल ऑफन हियर व्हाट दे एक्सपेक्ट टू हियर रादर देन व्हाट इज एक्चुअली सेड एंड जंप टू इनकरेक्ट कंक्लूजन्स. तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग उस चीज़ को सुनना पसंद करते हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि जो वो पहले से ही आशा कर रहे होते हैं. अगर मैं किसी सेमिनार में गया हूँ या फिर मैं अपनी क्लास में ही गया हूँ कोई स्पीच सुनने के लिए, कोई लेक्चर सुनने के लिए, अगर मैं पहले से ही अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस लेके चला गया हूँ कि आज मुझे इन सब चीज़ों को सुनना है खाली, और इसके अलावा अगर मुझे वो कोई और टॉपिक बताएंगे तो मैं नहीं सुनूंगा, तो ये भी एक तरह का बैरियर होता है, तो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा. और इससे एक और चीज़ होती है कि मैं सीधा जो इनकरेक्ट कंक्लूजन्स पे मैं सीधा जंप कर जाता हूँ. कंक्लूजन्स का मतलब है निष्कर्ष और इनकरेक्ट का मतलब गलत, क्योंकि मैं पहले से एक्सपेक्ट करके गया हूँ घर से कि मुझे बस वही सुनना है जो मैं आशा कर रहा हूँ उनसे, तो मुझे सही से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि मैं जो इम्पोर्टेंट मैसेज वो देना चाहते हैं मुझे वो मैं मिस आउट कर दूँ. एंड द लास्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस. कल्चरल का मतलब है संस्कृति. तो हम सबकी जो संस्कृति वो अलग अलग है, तो उनके वजह से भी बहुत सारे बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में. द नॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट कल्चर्स एज डू द वे इन विच इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड. क्योंकि जो हमारा सोशल इंटरैक्शन है, अगर हम अपने सोसाइटी में भी देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम सब अलग अलग स्टेट से हैं. हमारा जो फूड है या फिर बात करने का तरीका है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है या फिर हमारे जो रिलीजन्स हैं वो अलग अलग हैं, और अलग अलग कल्चर होने की वजह से भी हम जो हमारे इमोशंस हैं वो हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल स्पेस वेरीज बिटवीन कल्चर्स एंड बिटवीन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स. तो इसका ये एग्जाम्पल है कि अगर आप अलग अलग एरियाज देखेंगे, अलग अलग रीजन्स देखेंगे इंडिया में, तो आपको ये मिलेगा कि कुछ एरियाज़ में जहाँ पे लेडीज़ों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं है तो उनकी जो सोशल सेटिंग होती है उनको ज़्यादातर घर के काम में वह बिजी रहती हैं. अगर आप सिटीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फीमेल्स भी मेल्स कितना काम कर रहे हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं. और उसी तरह से आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे. तो कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी हमारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसमें बैरियर्स आता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. सी इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन. आज का लेसन अगर आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें. Until next time, keep practicing English.